हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं तुबा और आप देख रहे हैं किचन विद तुबा यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जो लाल सब्सक्राइब का बटन है इसे दबाएं और जो बराबर में बेल आइकन का बटन है इसे दबाने से मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नवाबी पनीर। तो उसके लिए मैंने पनीर लिया है, तो मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, ये देखिए। और इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया इस तरीके से। 10 मैंने काजू लियन को भिगो लिया है, 6 से 7 बादाम लियन को भिगो के छील लिया है, 1 टेबलस्पून खसखस ली है मैंने, और 3 मैंने हरी मिर्च ली है। और इन चारों चीज़ों का हमें पेस्ट बनाना है एक थोड़ा सा पानी से, तो मैंने ये लिया है। और इसके लिए मैंने 1 मीडियम साइज अनियन लिया है, उसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया इस तरीके से। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और ये 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून दखनी मिर्च है, इनका भी हमें सूखा पाउडर बनाना है, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तो मैंने इसमें क्या क्या लिया है, मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 1 टुकड़ा जावित्री ली है, और छोटे छोटे 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं, ये देखिए, 2 लौंग ली हैं, 2 छोटी इलायची ली हैं, तो मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून देसी घी डालूंगी। इसमें हमें पनीर के पीसेस को फ्राई करना है, तो मैं पनीर के पीसेस डालूंगी इसमें, ये देखिए, इस तरीके से सारे पनीर के पीसेस इसमें डाल दूंगी और इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, सारे पनीर के पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं इस तरीके से, और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, और इसको हम पलट देंगे और सारे पीसेस को, और दूसरी साइड से हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है बस, और इस साइड से हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो इधर जैसे अच्छे से फ्राई हो चुका है, दूसरी साइड से हल्का सा फ्राई करेंगे, तो मैं सारे पीसेस को पलट दूँगी, ये देखिए इस तरीके से सारे पीसेस मैंने पलट दिए हैं। और अब हम इसको एक प्लेट में कर लेंगे। ये देखिए, सारे पनीर के पीसेस फ्राई हो चुके हैं, और अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है, और 1 ही टेबल स्पून मैंने इसमें बटर लिया है, और इसको हम गरम होने देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और सारे खड़े मसाले जो मैंने बताए थे वो, और इसको हम थोड़ा सौते कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, हल्का सा सौते कर लेंगे इसे। और अब मैं इसमें डालूंगी अनियन। अनियन को हमें ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस लाइट, बहुत हल्की सी लाइट पिंक करनी है, तो मैं इसको भी हल्का सा फ्राई करूँगी, ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है लेकिन हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, तो लाइट पिंक करनी है ये हमें, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे 1 मिनट तक, 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने पेस्ट बनाया था, काजू बादाम का और खसखस का और हरी मिर्च का, वो इसमें मिला देंगे, और इसको तो 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे इस तरीके से, ये देखिए, तो हम इसको भूनेंगे। ये देखिए, अच्छे से भून चुकी है, और अब हम 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो दखनी और काले मिर्च का जो सूखा पाउडर बनाया था वो डाला है, कोई पानी नहीं डाला है मैंने इसमें, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे, इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, देखिए हल्का हल्का से तेल छोड़ने लगा है, पर ये अभी भुना नहीं है, इसको और भूनना है, ये देखिए इस तरीके से ये एकदम से तेल छोड़ने लगा है, बस इतना हम करेंगे, ये भुन चुका है। तो इसमें 1/2 कप मैं अब मिल्क डालूंगी। तो ये देखिए, मैंने 1/2 कप इसमें दूध डाला है, और इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, सबको अच्छे से मिलाएंगे, इसको थोड़ी देर तक हम भूनेंगे, 1 से 2 मिनट तक, तो इसको अच्छे से भूनना है, ये देखिए भुन चुका है। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ी देर इसको फिर भूनेंगे इस तरीके से, ये देखिए ये अच्छे से भुन चुका है, जो पनीर के पीसेस मैंने फ्राई किए थे, और अब उसमें ये डाल देंगे और सबको अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे ताकि सारे पनीर के पीसेस ग्रेवी में मिक्स हो जाएं, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसमें 1/2 कप मिल्क और डालूंगी, तो मैं और डाल देती हूँ इसमें, ये देखिए, इस सबको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, इसमें मिला देंगे, ये देखिए,
और अब मैं इसमें आधा टेबल स्पून कसूरी मेथी डालूंगी हल्का सा क्रश करके, और सबको मैं इसमें मिला दूंगी इस तरीके से। और अब मैं इसे 5 मिनट तक ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो मैंने ढक्कन लगा दिया है, 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम खोल के इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा ये हो चुका है, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, ये देखिए। और अब इसमें जो कुछ चीज़ें रह गई वो डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें छोटी कटोरी में खोया लिया है मावा, और उस सबको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें 1 कटोरी कुकिंग क्रीम डालूंगी, मैंने कुकिंग क्रीम डाली है तो इसको भी हम मिला देंगे। ये देखिए सबको अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 2 पिंच मैं शुगर डालूंगी, तो मैंने 1 पिंच डाल दिए और अब एक और डालूंगी, और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और अब इसको 2 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, बनके रेडी हो चुका है और इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए नवाबी पनीर बनके रेडी हो चुका है। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, आप इसको इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।